हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज उस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट कोड एट सिक्सटी सिक्स का क्वेश्चन पेपर जो कि आज आपके इलेवेंथ अप्रैल को इवनिंग सेशन में हुआ था सो so स्टार्ट करते हैं जी के पास से सो द सोशल सिस्टम ऑफ हर अपन वॉज तो इसमें आपका आंसर ए रहेगा नेक्स्ट है आपका द वर्ड वेदा मीन्स ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है इट मीन्स नॉलेज बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स वॉज द नेम ऑफ द तो ये किसका नाम था तो इसमें बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट है द खिलजी सुल्तान ऑफ डेली वॉ वर् वो अफगान थे बी इस द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट है आपका कृष्ण देव राया वॉज़ द कंटेम्प्रेरी ऑफ द किसके थे वो बी सॉरी सी बाबर विल बी द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट है हु इज़ जर्नली Acknowledged as the pioneer of local self government in modern India. So, this is my answer Lord Ripon. ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी तो इसमें जी के गोखले इज द राइट आंसर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरीज वर एग्जीक्यूटेड बाय द प्रिंस बाय द ब्रिटिश तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा वो सी राजगुरु इज द करेक्ट आंसर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की इंडियन फेडरलिज्म इज क्लोजर टू तो ये किससे ये आपके यू एस है सो डी यू एस ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की विच इज़ नॉट अ यूनियन टेरिटरी तो इसमें आपके नागालैंड इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रिवेंटिव डिटेक्शन मीन्स डिटेंशन मीन्स तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका डिटेंशन फॉर इंटो इंटेरोगेशन करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट है आपका द वाइस प्रेसिडेंट और इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ किसके है राज्यसभा के ए एज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद मनी बिल तो कौन सा आपका डील करता है आर्टिकल वन जीरो वन हंड्रेड एंड टेन सॉरी आर्टिकल वन हंड्रेड एंड टेन डील करता है नेक्स्ट है व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम फॉर कॉन्टर तो इसमें आपसे राइट आंसर विल बी डी नन ऑफ दीज नेक्स्ट क्वेश्चन है द दॉलगैनिक एक्टिविटीज आर फाउंड इन फाउंड मोर इन तो कहाँ होती है हवाई में होती है ए इज द करेक्ट ऑप्शन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर ऑफ रेन एंड स्नो इज कॉल्ड तो इसको क्या बोलते हैं स्लीप बोला जाता है सी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट है ब्लैक फॉरेस्ट इज फाउंड इन तो कहाँ जर्मनी में फाउंड होता है ए इज द करेक्ट ऑप्शन लोक तक इज अ सो अभी अभी मैंने आपके सी एस के पालमपुर का फील्ड असिस्टेंट का पेपर सॉल्व किया है जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका नेचुरल hmm. जो सॉरी फ्रेश वाटर लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है तो उसमें आपसे ये पूछा गया था लोकटक के बारे में ऑप्शन so, में था आपका ये दिया हुआ तो आपका लोकटक क्या है एक लेक है सी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट है इन विथ सिटी हिंदूज हिंदुस्तान मशीन टूल इंडस्ट्री इज़ लोकेटेड तो किस में है आपके डी बेंगलुरू इज़ दी करेक्ट ऑप्शन नबार्ड इज़ द नेम ऑफ द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज़ दी करेक्ट ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन फिजिकल पॉलिसी इज कंसर्न विद तो आपके पब्लिक रेवेन्यू से भी कंसर्नड है वो आप पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड डेबिट से भी कंसर्न है तो डी

ठीक है साइंटिफिक स्टडीज पे तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं नेक्स्ट है द नेचुरल इंडिकेटर इज तो इसमें से आपका ये आपका एसिड uh, और बेसिक का इंडिकेट इंडिकेट करते हैं ये सारे जितने भी फोनोथलिन आपका मिथाइल ऑरेंज एंड ऑल ऑफ दीज तो इसमें से आपका जो नेचुरल इंडिकेटर है वो लिटमस है क्योंकि लिटमस एक लाइकन है वहाँ से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है एक लाइकन से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है और लाइकिन क्या है एक लिविंग थिंग है नेक्स्ट है शेविंग मिरर इस तो कौन सा होता है आपके शेविंग मिरर आपका कॉन्केव मिरर होता है कॉन्वेक्स क्या है आपका रेयर मिरर होता है ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिपीट किए जाते हैं एंड आपके अभी भी जो सी एस के पालमपुर का मैंने पेपर सॉल्व किया उसमें आपसे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पूछा गया था नेक्स्ट है अ फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन डलहाउसी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एच पी तो ये आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में है सी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट है फुलेज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ये क्वेश्चन भी अभी रिसेंटली पूछा गया था तो ये आपके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की uh, जो कि है आपका डूंगरी मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है तो ये कौन से जिले में ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट किया गया है अभी रिसेंटली किसी क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा एक कुल्लू ठीक है कुल्लू के ये मनाली Uh, उसमें मनाया जाता है रोकी नाथ टेम्पल इज़ लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश तो उदयपुर इज़ दी राइट आंसर नेक्स्ट है छुहार वैली इज लोकेटेड इन विस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश तो आपके मंडी में है ये नेक्स्ट है जाकू हिल्स इज़ लोकेटेड इन विस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश तो आपके शिमला में है ये बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे गए थे नेक्स्ट है विद सूरज सिंह बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश तो ये आपके किस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं ये आपके सिरमौर को बिलोंग करते हैं ये क्वेश्चन पेपर शायद से 2019 में सेट किया गया है क्योंकि इसकी करंट अफेयर्स भी 2019 के ही पूछे गए हैं नेक्स्ट है Next आपका कुथर खड इज अ टिब्यूट्री ऑफ विच रिवर इन हिमाचल प्रदेश तो ये किसकी है ये आपके सतलुज की ट्रिब्यूटरी है नेक्स्ट है आपका लार्जेस्ट एयरवाइज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन हिमाचल प्रदेश इज तो इसका आंसर डी मंडी विल बी द करेक्ट ऑप्शन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की वन क्वेश्चन की स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हिमाचल प्रदेश इज शिली ए इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट इज हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ बिलासपुर प्रिंसली स्टेट तो आपका आनंद चंद ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट है द कैपिटल ऑफ भागल प्रिंसली स्टेट वॉज एट तो कहाँ था वो अर्की में था ए इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश वेजिटेबल घी प्लांट इन द प्राइवेट सेक्टर हैज बीन सेट तो इसमें से आंसर रहेगा नन ऑफ दीज क्योंकि ये कहाँ हुआ है ये मंडी में हुआ है हाउ मेनी टाइम्स इन ऑफ अ क्लॉक पॉइंटिंग इच अदर ऑपोजिट टू ईच अदर इज टू ट्वेंटी टू टाइम्स आएगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट आपका वन सिक्सटी क्वेश्चन का आंसर विल बी सिक्स ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच साइक्लोन रिसेंटली बिकेम फर्स्ट सुपर साइक्लॉनिक स्ट्रॉम इन अरेबियन सी इन लास्ट ट्वेंटी सॉरी लास्ट ट्वेल्व ईयर्स तो आपका साइक्लॉन वायू इज द राइट सॉरी साइक्लॉन कायर जो है वो इज़ द राइट आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की एक शक्ति 2019 वाज अ जॉइंट काउंटर टेररिज्म ट्रिल बिटवीन आर्मीज ऑफ इंडिया एंड तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा 162 का वो फ्रांस रहेगा ठीक है सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट है दिलीप पारिक हु पास्ट रिसेंटली हु रिसेंटली पास्ट अवे वाज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ तो कहाँ के थे वो गुजरात के थे नेक्स्ट सी सॉरी बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन गुजरात विल बी द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट है व्हाट इज द इंडियन रैंक इन ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2019 तो इसमें टू थाउजेंड रैंक थी आपकी हमारी सो नेक्स्ट है है आपके एंटोनम बताना डिस्पर्स का तो इसका होता है असेंबल नेक्स्ट आपको बताना है कि वन वर्ड सब्सटी फॉर अ जनरल पार्डन ऑफ पोलिटिकल ऑफेंडर्स इज तो उसकी एम होता है डी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट है माई बॉस डैश माई रिक्वेस्ट टू इंक्रीज माई अलायंस तो इसके जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा रिफ्यूज ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट है राजगिरी में समास है तो इसमें आपका आंसर रहेगा ए नेक्स्ट है, है गुण का विशेषण गुण ही रहेगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन दृश्य का बहुवचन बहुवचन विल बी दृश्य सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन सो ये करेक्ट ऑप्शन सो ये था आपका पोस्ट कोड एट सिक्सटी सिक्स का जी के पार्ट जो कि हमने सॉल्व कर लिया है अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर वीडियोज थैंक यू सो मच